Hello, guys, my name is Sana Fatma, and you are watching your own YouTube channel, Illustration Center. So, let's get started. तो गाइज़ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह एक प्यारा सा पफी सा कार्टून डिज़ाइन कर सकते हैं डॉबी हिलस्ट्रेटर में तो उसके लिए मैं गई स्टार टूल पे और मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं तो लेट सपोज मैं यहाँ पे थर्टी फाइव पॉइंट्स कर देती हूँ मैंने ओके का बटन प्रेस किया अब गाइज़ यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनका बॉर्डर रेडियस इंक्रीज कर रही हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और अब मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया जिससे ये कॉपी हो गया और मैंने कंट्रोल एफ किया तो इसकी कॉपी इसी के ऊपर पेस्ट हो चुकी है अब मैं इसको शिफ्ट और ऑल्ट की हेल्प से थोड़ा सा छोटा कर दूंगी इतना और मैं दोनों का स्ट्रोक जो है वो नन कर देती हूँ प्यारा सा फिल देते हैं इसको यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया उसके अंदर मैं कलर करती हूं ग्रेडियंट कोई ग्रेडियंट कलर इसमें देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है जी लेट्स सपोज हम इसको कलर दे रहे हैं ऑरेंज गाइज तो इन हैंडल्स को आप ऑल्ट की हेल्प से आगे लेकर जाएंगे तो इनकी एक कॉपी बना देगा और इसको मैंने हटा दिया है इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर देती हूँ यहाँ पे मैं एच एस बी में गई और मैंने थोड़ा सा इसको लाइट कर दिया यहाँ पे मैं गई और मैंने इसको ब्लैक हटा के इसकी मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी ली और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ और ये इतना मैंने कर दिया गाइज यहाँ पे ग्रेडियंट मैं रेडियल ग्रेडियंट कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाह रही हूँ लेट सपोज इतना ठीक है और मैंने यहाँ से इसको इधर कर दिया और इसको मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर की हेल्प से मैंने ये वाला कलर इसके अंदर पेस्ट कर दिया अब गाइज इनको ऐसे ही सेलेक्ट रहने देना है दोनों को और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पैनल में गई और यहाँ पे मैंने ब्लेंड के ऑप्शन में ब्लेंड ऑप्शंस पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे स्पेसिफाइड स्टेप्स ही चाहिए और हंड्रेड स्टेप्स ही चाहिए और मैंने ओके okay कर दिया और अगेन मैं ऑब्जेक्ट पे गई ब्लेंड पे और मेक पे मैंने क्लिक कर दिया तो इन्होंने मुझे दोनों शेप्स को ब्लेंड कर दिया आपस में गाइज अब ये इसी तरह सेलेक्ट रहेंगे और अब मैं जाऊँगी इफ़ेक्ट के ऑप्शन में और यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है जिसमें जो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है पक्कर एंड ब्लॉट यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं माइनस में कोई वैल्यू दे देती हूँ लेट सपोज माइनस ट्वेंटी मैंने कर दी है ओके okay कर दी है और इसके बाद अगेन मैं अफेक्ट पे गई और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे ही जाना है रफन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने डिटेल को जीरो कर देना है देन प्रीव्यू आपने ऑन कर देना है और स्मूद पे क्लिक कर देना है ये रेलेटिव और स्मूद दोनों आपके ऑन होने चाहिए साइज आप अपनी मर्जी से इसका इंक्रीज कर सकते हैं जितना आपको पसंद है उतना ही आप इंक्रीज कर ले और मैं यहाँ पे इसको ओके okay कर देती हूं तो गाइज हमारे पास एक इस तरह की शेप आ चुकी है अब मैंने इसको सेलेक्ट किया राइट right क्लिक किया और आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं उठाकर ऊपर ले आई लेट्स सपोज मैं इतना ऊपर इसको ले गई यस yes, इतना ठीक है भाई ये पॉइंट बहुत ज्यादा डार्क है मैं इसको थोड़ा सा जाके लाइट कर दूंगी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस पॉइंट को जाके एच एस बी ही ठीक है और यहाँ से जाके मैंने इसको लाइट कर दिया अब ठीक है तो गाइज तो अब, अब मैं अब इसकी आईज़ डिजाइन करने जा रही हूँ और एलिप्स टूल पर जाके मैंने एक सर्कल डिजाइन कर लिया है और इसको मैं दे देती हूँ ग्रेडियंट नहीं देना और यहाँ पे मैंने इसकी कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ किया इसकी कॉपी इसी के ऊपर पेस्ट हो चुकी है शिफ्ट और ऑल्ट की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग किया और मैं इसको इस कॉर्नर पे ले आई और इसको मैं कलर दे देती हूँ कुछ ब्लू सा और बाहर वाले सर्कल पे मैं दे देती हूँ जी ये वाला कलर और दोबारा मैंने अंदर वाले इलिप्स को कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ किया और शिफ्ट और ऑल्ट की हेल्प से ड्रैग किया इतना और थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह किया और मैं इस कॉर्नर पे ले आई और इसको कलर दे देते हैं हम ब्राउन सा और गाइस अब मैं छोटे से दो और इलिप्स डिज़ाइन करूंगी और इसको मैं उठा के यहाँ पे लेकर आई थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया और इसको भी मैंने दे दिया वाइट कलर और इसी को उठा के मैं यहाँ पे भी ले आई और इसको मैंने थोड़ा सा और छोटा कर दिया एक आई हमारे पास डिजाइन हो चुकी है मैंने इसको सेलेक्ट किया सारों को कंट्रोल जी करके इसको एक ही ग्रुप बना दिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ अगेन मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ किया इसकी एक कॉपी डिजाइन कर ली और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और गाइज अब हम लोग बनाते हैं इसकी नोज उससे दोबारा मैंने एलिप्स टूल लिया और यहाँ पे मैंने इतना सा एस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा इधर मैंने किया नीचे यस अब ठीक है और गाइज इसको भी मैंने कर दिया ऑरेंज कलर और थोड़ा सा इस ऑरेंज कलर को हम लाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत डार्क है इतना और मैश टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देती हूँ yes, तो तो कार्टून डिजाइन कर लिया है आप लोग भी इसी तरह मजे मजे के प्यारे से कार्टून्स एडोबी इलस्ट्रेटर में डिजाइन कर सकते हैं तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज